दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए गोपनीय रहस्यमय मंदिर और किलों इनकी बारे में जानकारी लेके आता रहता हूँ, क्योंकि इनकी कहानियाँ और घटनाएँ काफ़ी दब चुकी हैं और इतिहास में क्योंकि बहुत बड़ी छेड़खानी भी हुई है, इस वजह से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को उनके बारे में नहीं पता है। इसीलिए मैं हमेशा इस तरह की कहानियाँ और उनके संबंध में जो भी विवरण मौजूद हैं वो लेके आता रहता हूँ। तो आज ही मैंने एक ऐसा किला चुना है, उस किले को हम रायसेन के किले के नाम से जानते हैं। ये किला इतिहास में अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध किला माना जाता है। इस पर विभिन्न प्रकार के 14 बार अलग अलग किस्म के राजाओं ने शासन किया, हमले किए। और चूँकि आज का जो विषय है वो ये है कि वहाँ पर रखा हुआ पारस पत्थर, उसे प्राप्त करने की कोशिश है, उसको बहुत ही कोशिश की गई उसको प्राप्त करने की, लेकिन कोई जो अभी तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया है। और पारस पत्थर होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। पारस पत्थर ऐसा दुर्लभ पत्थर होता है, वो अगर किसी भी लोहे की वस्तु से छुआ दिया जाए तो वो उस लोहे को सोने में बदल देता है। तो इसलिए इसकी कीमत सबसे ज़्यादा महंगी मानी जाती है। ये बहुत ही चमत्कारिक पत्थर होता है, ऐसा किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि इस पत्थर के अगर किसी के पास आ जाए तो वो स्वयं कुबेर होता है, क्योंकि वो जिस भी लोहे की वस्तु में उस पत्थर को छुआ देगा तो वो निश्चित रूप से वो चीज़ जो है वो सोने में बदल जाती है। तो इस राजमहल यानी कि किले के बारे में जो वर्णन है वो इस प्रकार से आता है कि ये लगभग मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर यह किला स्थित है। और इस किले में पारस पत्थर को पाने के लिए कई बार लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं। तोपों और गोलों की मार इस पर बहुत ज़्यादा पड़ी है, लेकिन फिर भी यह किला आज भी स्थित है। और ये लगभग रायसेन जिले में उसके मुख्यालय से लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 12वीं शताब्दी में लगभग इस किले का निर्माण किया गया था और ये मध्य प्रदेश का एक आकर्षण का केंद्र भी है। पहाड़ की चोटी पर निर्माण के बाद इसकी पहचान बहुत ही अच्छी सभी लोगों में जानी जाने लगी। कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी ये अपनी शान से खड़ा है और विशाल पत्थरों के बीच बनी हुई 9 दरवाजों से बाहर इसकी जो है स्थिति है वो दिखती है, खुलती है। 13 तरह के इस पे बुर्ज बने हुए हैं। आश्चर्यजनक बात है कि इसके किले में लगभग 40 कुओं के साथ में जल प्रबंधन और संरक्षण का उत्तम तंत्र था, यानी कि एक ही किले के अंदर लगभग 40 कुएं थे ताकि पानी की कोई समस्या किसी तरह से ना आने पाए, और वो भी इतनी ऊंचाई पर। तो आप स्वयं सोच लीजिए कि जल प्रबंधन तंत्र कितना अच्छा उस समय का रहा होगा, और लोग पुराने ज़माने के लोगों को हंसा करते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं आता था। तो आसपास के जो इसके क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सी प्राचीन गुफाएँ हैं और वहाँ पर बहुत सारे भित्ति चित्र, यानी कि जो दीवारों पर बनाए जाते थे पुराने ज़माने में चित्र, क्योंकि उस ज़माने में कोई ऐसी स्लेट वगैरह नहीं निर्मित होती थी तो दीवारों पर ही लोग चित्र बना देते थे, उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता था। और इसीलिए ये इतिहास में ये जगह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है। पारस पत्थर जो होता है सोने में जो है बदल देता है, इसीलिए इस किले में और इस किले पर होने वाले हमलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक किंवदंती है, ये कहा जाता है कि इस पत्थर को यहाँ जो रखा है वो आज भी रखा हुआ है पत्थर, और इन पत्थरों की जो रक्षा है वो जिन्न करते हैं। जिन्नों की पूरी सेनाएं करती हैं, जिन्न काफ़ी संख्या में हैं और वो सब के सब इस पत्थर की रक्षा करते हैं, और इसीलिए इस किले को और इस पत्थर को रहस्यमयी माना जाता है। तो ये चूँकि चोटी पर बना हुआ है इसलिए यहाँ पर आसानी से कोई नहीं पहुँच सकता था, और सोना बना देने के लालच के कारण सभी लोगों ने इस दुर्लभ मणि को प्राप्त करने की बहुत कोशिश की है। अपनी खासियत के कारण ही बहुत ही सुंदर और बहुत ही सहज अच्छा लगने वाला किला है। और इसमें पुराना जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ, जैसे मैंने कहा कि इसमें विभिन्न प्रकार के नलकूप के सिस्टम के लिए ऐसा पानी का ऐसा प्रबंधन था कि पानी की कोई कभी समस्या नहीं आ सकती थी। यहाँ पर शेरशाह सूरी ने भी शासन किया था, और यहीं पर जो है एक पारस का पत्थर है जो
रखा हुआ है, लेकिन कहाँ इस बारे में लोगों की राय है कुछ स्पष्ट नहीं है। वो नहीं जान पा रहे हैं कि कहाँ पर है, बस इतना समझ पाते हैं कि उसकी वजह से जो है यह राजमहल बहुत ही दुर्लभता को प्राप्त किया हुआ है। कहते हैं कि रायसेन जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, उसी में जब वो एक युद्ध में लगभग हार गए थे पूरी तरह से, तो उन्होंने वो पत्थर किसी के हाथ में ना लगे इसलिए उन्होंने उस पत्थर को किले के अंदर ही तालाब में फेंक दिया था। तो वहाँ जो किले के अंदर एक तालाब बना हुआ था उसके अंदर फेंक दिया था, और इसी युद्ध के दौरान जो रायसेन राजा थे उसकी भी मौत भी हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने पारस पत्थर को के बारे में किसी को भी नहीं बताया और उसे किस जगह पर उन्होंने फेंका था। तो इस उनकी मौत के बाद से ही बड़ा अजीब सा हुआ और ये किला पूरा का पूरा किला वीरान हो गया, और वो पारस पत्थर को ढूंढने के लिए बहुत से लोग यहाँ आए और आते रहते हैं, अभी भी आते हैं, जो ढूंढने की कोशिश करते हैं, तांत्रिकों को साथ में लेके आते हैं और कोशिश यही करते हैं कि किसी प्रकार से यहाँ से यह पत्थर निकाला जा सके। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर एक खबर जो है फैली हुई है वो ये है कि जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति अगर उसे देख लेता है या उसे प्राप्त कर लेता है तो वो पागल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर गोपनीय तरीकों से लोग आने की कोशिश तो करते हैं, साथ ही इसके बारे में पता लगाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बात बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक पारस पत्थर रखा हुआ है। लेकिन जो लोग भी इस तरह की कोशिशें यहाँ पर आकर के किए हैं उन सबका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मानसिक संतुलन यानी कि पागलपन, पागल हो जाते हैं लोग। अब पागल होने से पीछे मतलब यही उद्देश्य है कि निश्चित रूप से अगर कोई उस चमत्कारिक पत्थर को देख लेता है या उसके पास पहुंच जाता है तो जिन लोग उसके सिर के ऊपर हावी हो जाते हैं, उसके मस्तिष्क पर हावी हो जाते हैं, इसके कारण से वो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए लोग डरते हैं, और लोगों का कहना है कि क्योंकि पत्थर की जो रखवाली है वो यहाँ के जिन्न करते हैं, और निश्चित रूप से कोई भी ऐसी आत्मा जो होती है जो जिसको लालच होता है तो वो आत्मा वहीं स्थायी रूप से निवास करने लग जाती है ऐसी चीज़ों पर, ख़ास तौर से ज़मीन में गड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन सब में यह जिन या यूं कहिए इस तरह की कोई शक्तियाँ वो जो है अपना वर्चस्व बनाने के लिए, उन चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अपने आप को उस चीज़ों को कब्जे में कर लेती हैं। अब जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार से वहाँ पर पहुँचता है तो चूँकि वो ऐसे ही उसको उठा लेता है और उस पर कोई तंत्र क्रिया जो शुद्ध तंत्र क्रिया है वो नहीं करता है, तो इस वजह से शक्तियाँ उसके मस्तिष्क पर सीधा हावी हो जाती हैं और वो पागल हो जाता है। यही नहीं, यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि पत्थर की तलाश में किले में कई रात में गुनियों की मदद से खुदाई की जाती है, यानी कि छोटे छोटे जो खुदाई करने की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें ले जा करके यहाँ पर लोग आते हैं रात के समय में और धीरे धीरे उन्हें खोदने की कोशिश भी करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। ये सब कैसे होता है, क्यों करते हैं लोग, इसका मतलब कुछ ना कुछ इस पर विशेष रूप से राज छिपे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर इस बात में सच्चाई है कि हो सकता है यहाँ पे पारस पत्थर हो या हो सकते हैं यहाँ पर सोना चांदी जवाहरात वगैरह गड़े हुए हों, क्योंकि राजमहल है और एकाएक रूप से वो वीरान हो गया। तो निश्चित रूप से लड़ाई के बाद में जितने भी राजा लोग होते थे उनका सोना चांदी रुपया पैसा वहीं का वहीं रह जाता था, और क्योंकि दूसरे राज्य का राज कोई व्यक्ति जब उसे जीत लेता था तब वो जाकर के राजकोष की तरफ बढ़ता था, लेकिन अगर कोई राज्य यूं ही वीरान हो गया तो इसका मतलब कि वो आया और जो उसने जीतने वाला व्यक्ति था वो जब उसने सोना चांदी वगैरह ढूंढने की कोशिश की तो उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर उसे मिल जाता तो वो उस जगह अपना राजा बन के बैठ जाता और उस स्थान को अपना राज्य राज्य घोषित कर देता, जैसा कि ज़्यादातर जगहों पर होता ही है। लेकिन कोई जगह ऐसी जहाँ पर मौतें हुई हों और उसके बाद वो जगह वीरान हो गई हो तो वो जगह आत्माओं के लिए विशेष रूप से अनुकूल होती है, वो आत्माएँ वहाँ भटकती रहती हैं और इसीलिए वो सोना चांदी पर जाकर के बैठ जाती हैं या इसी तरह की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पर जाकर के बैठ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रात को लोग आकर के खुदाई करते हैं गुनिया वगैरह उसकी मदद से पत्थर की तलाश करते हैं, तो जो भी लोग दिन में यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वही लोग ये सब बताते हैं, और वो कहते हैं कि जब लोग यहाँ घूमने आते हैं तो उन्होंने कई जगह पर तंत्र क्रियाएँ देखी हुई बनी हुई जिस प्रकार के तंत्रों में वर्णन आता है उस प्रकार से, और खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे भी इनको दिखाई पड़ते हैं। तो रात को जाकर के कोई क्यों खोदेगा, बड़े बड़े गड्ढों में गड्ढा क्यों लगाएगा, यानी कि इसका मतलब यह है कि लोगों को विश्वास है।
लोगों को ये विश्वास है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है या ऐसी शक्ति है या वो तांत्रिकों की मदद से जान लेते हैं कि वहाँ खजाना गड़ा हुआ है या धन गड़ा है या पारस पत्थर वहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी की सारी जो उठा पटक है वो पारस पत्थर के लिए हो रही है, और जब तक कि कोई शुद्ध तांत्रिक नहीं होगा इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पूरे राज्य के कई सौ सैनिक मारे गए होंगे और कई जो राजा भी मारा गया, तो अगर ये सब लोग मारे गए तो इतनी बड़ी संख्या में आत्माएं जहाँ पे निवास करती हैं और बहुत सारी जो है जिन और इस तरह की दैवीय शक्तियाँ जो भी वहाँ पे निवास करती हैं वो सारी की सारी उन चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं होने देती, खासतौर से वो गुमराह कर देती हैं ऐसी चार साथ जो भी लोग वहाँ पहुँचते हैं उन्हें गुमराह बहुत करती हैं, उन्हें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर गड़ा हुआ है तो उस जगह पे जाकर वो खोदने लगते हैं रात के समय में, लेकिन चूँकि वो एक माया रच देते हैं तो जो असली जगह होती है उससे बचाने के लिए वो दूसरी जगह ऐसी माया रच देते हैं, तो रात भर लोग खुदाई करते हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और बाकी अगर कोई गलती से उनके तंत्र में नहीं फंसता है और वो उस ओरिजिनल जगह असली जगह वहाँ पहुँच जाता है तो फिर वो उसे पागल कर देते हैं, मार डालते हैं, कई कई बार लोगों की मौतें तक हो जाती हैं। तो ये था यहाँ का एक अनुभव और वर्णन जो इस किले के बारे में है कि यहाँ पर पारस पत्थर है और जिन्न उनकी रक्षा कर रहे हैं, सोने चांदी की रक्षा कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इस जगह जाकर के घूम सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये ऐसी जगह है कि नहीं, अगर है तो उस जगह का आप जाकर के आनंद उठा सकते हैं, आपका टूर हो सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।